चेक करो गाइस, यू नो चेक करो, ये देखो मामा ने मेरे को ना एक क्रेट केले दिए और बोला है कि बंदरों को जाके खिला के आजा। तो मैंने कहा ये तो बहुत पुण्य का काम है मेरी। तो भाई देखो ये है दानवीर और ये है दान, ये तो जरूरी करना चाहिए। लो भैया लो, आज हम करेंगे पुण्य का काम। तो देख देख देख, तो गाइस चेक करो, तो गाइस चेक कर सकते हो, खुद बंदर आ गया। ये देखो चेक करो, चेक करो गाइस, यू नो चेक करो, ये देखो बाबू पप्पी दे दे यार। तो गाइस आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं आ रहे व्लॉग्स। तो गाइस ये देखो 8 है, ये बिल्कुल भी चलने की कंडीशन में नहीं है बिल्कुल ही। तो नमस्ते आलो सब से गाइस, तो कैसे है किसान आर्मी मीटिंग बैठे के मजे करो भाई। क्या व्लॉग देख रहे हो इस गधे के, तो पल्ले में नहीं पड़ा, मैंने क्या बोल दिया। ये देखो आ रहा है, अच्छे से पकड़ ले। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत दिनों बाद चालू हो रहा है, चालू इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई आपको एक चीज दिखानी है और उसकी वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे, अब समझोगे। तो गाइस आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं आ रहे व्लॉग्स। तो गाइस ये देखो 8 है, ये बिल्कुल भी चलने की कंडीशन में नहीं है बिल्कुल ही, और ये वाला है 9। तो अभी मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये देखो ये 9 है, ये चल रहा है। बट इसमें जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइक अडैप्टर की, जो जिस वजह से कनेक्ट नहीं होता। ये बेचारा सोच रहा है कि क्या करूँ, क्या भैया क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये चलने वाली कंडीशन में है। तो भाई लोगों मेरे को कमेंट करके बता दो कि ये रिपेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये छोटू को सोच रहा होगा। तो गाइस प्लीज यार मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, और आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। हाउ टू हैव ऑनलाइन कैसीनो 87 व्लॉग करके ये लाइन है, इसको जाके सर्च करो, मैं डाल दूंगा। और अभी मिलता हूँ आप सबको मोटो ब्लॉग सेटअप पे, क्योंकि बहुत दिन बाद मोटो ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज मैं कहीं जा रहा हूँ, एक स्पेशल जगह है। तो मेरे को मामा का सुबह सुबह कॉल आया, तो कॉल किस लिए आया मैं आपको लाइव बताऊंगा। चलते चलते, तो अभी नहीं बताऊंगा। बाबू पप्पी दे दे यार। तो लो भाई साहब, हम दिखाते हैं अपनी अमीरी। ये है भाई साहब आईफोन गरीब वाला, यह है गोप्रो 8, यह है गोप्रो 9, जिसे शूट हो रहा है वो है गोप्रो 9, और आईफोन है ये सस्ता वाला। तो भाई लोगो अब चलते हैं सीधे मोटो ब्लॉग पे। देन गाइस देखो, आज मेरा प्रॉपर मोटो ब्लॉग नहीं हो रहा, इसलिए मैंने चप्पल पहन रखी है और मैं ऐसे ही निकल रहा हूँ। क्यों? मामा ने वो जो सुबह सुबह मेरे को बोला ना कि मामा ने मेरे को ना एक क्रेट केले दिए और बोला है कि बंदरों को जाके खिला के आजा। तो मैंने कहा ये तो बहुत पुण्य का काम है मेरी जान, ये तो जरूरी करना चाहिए। लो भैया लो, आज हम करेंगे पुण्य का काम। तो खिलाने वाले हैं बंदरों को केले। तो भाई लोग बंदर कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं। तो मैंने पहले अपने एक दोस्त को कॉल लगाया जो मिल में काम करता है। तो उस बंदे ने कहा मेरे से, दलीप यहाँ आ जाए, यहाँ बहुत सारे बंदर है, वो चावल वाली फैक्ट्री है, यहाँ मतलब मील है, मील में जैसे आटा चावल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब रहते हैं। तो मैं वहाँ गया और वहाँ पे बहुत सारे बंदर दिखे थे मैंने। तो मैंने कहा चलो भाई आज तो मिल गया बंदरों का ठिकाना, तो हम बंदरों को खिलाएंगे खाना। तो भाई खाना क्या, हम लेके जाएंगे माओ के साथ केला। तो भाई मैं हूँ अभी सिंगल, यानी कि सिंगल, तो पीछे क्रेट पकड़ने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा किसको लेके जाऊँ, अपने भाई को लेके जाऊँगा डेफिनेटली, अगर मिलेगा तो। पापा से कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं पहले कॉल कर लूँ। जल्दी से उठा मेरे भाई, रखा कहाँ है तू? मैं दुकान के तरफ। कौन सी दुकान का? मैं तो तेरी दुकान पे हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है तेरे से, आ जा इधर को। आ रहा हूँ, प्रेमा दुकान की तरफ आ गया। वहीं पर है, वहीं पे, वहीं वहीं काम है। आ गया प्रेमा की दुकान पे, खड़ा आ जा फिर। वहीं पर है तो गाइस ये खड़ा है। आ जा फिर। ठीक है ठीक है। तो गाइस ये जहाँ पर इसका काम है वहीं पर है ये। तो चलते हैं सीधे मामा की दुकान पे, क्योंकि इसे लेके जाना है, पीछे से क्रेट रखनी है और वहाँ केले लेके जाने हैं। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि दलीप भाई आपने व्लॉगिंग छोड़ दी। तो भाई मैं अपनी ज़िंदगी से अपनी जान छोड़ सकता हूँ, अपनी जिंदगी से अपनी रूह छोड़ सकता हूँ, लेकिन वह व्लॉगिंग और यूट्यूब मैं कभी नहीं छोड़ सकता यार। यू नो आप लोग समझ सकते हो क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यू नो अच्छी चीज़ क्या है, ये मेरा प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन को कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा इसलिए। तो है इस मामू की दुकान, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इतने सारे केले हैं, पता नहीं केले भर के रखे या नहीं रखे इन्होंने। ये वाले केले जाएंगे। लखा कहाँ है? लखा लाओ भी मामू केले दो। ये वाले केले सारे भर ले जल्दी से क्रेट में। तो गाइस ये लेंगे हम यहाँ से क्रेट। ये थोड़ी ख़राब हो रही है, तो बढ़िया सी क्रेट लेके आता हूँ पहले मैं। मामे प्याज क्या भाव हो रही है? लो मामा तो लूटने में लगा पड़ा है, गरीब वो कह रहे 60 रुपये किलो। ले भाई इसमें भर ले सारे केले, जल्दी से भर ले। तो भाई देखो ये है दानवीर और ये है दान, हम लेके जाएंगे उसको। चल भाई उठा, भैया इस पे जाएगा, इस पे। अरे मामा यार गाड़ी में उठ, मत कर, उठा जल्दी उठा। हाँ और कुछ? हाँ हाँ
ना ना अब तो कह दिया, अब जा रहे हैं। तो भाई निकलते हैं यहाँ से। भाई मैंने यहाँ से केले ले लिए और ये पहले काम है आए, तो पहले तो एक काम है ना वो कंप्लीट करना है। तो बच्चे अभी स्कूल से आए कर रहे थे। तो गाइस आने वाला है हमारा जो मेन, जहाँ पर आना था मुझे वहाँ आने वाले है वो जगह पर, तो थोड़ी दूर रह गई है, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी चलो। तो गाइस 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 सबसे बड़ी मैंने मिस्टेक ये की है कि मैं भाई चप्पलों में चला रहा हूँ गाड़ी। तो भाई मुझे ज़्यादा दूर नहीं आना था घर से, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर आना था, इसलिए मैंने सोचा था कि नॉर्मली चल लो, क्योंकि मुझे प्रॉपर राइडिंग करने नहीं जाना था। तो गाइस 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 यहाँ पर है ये देखो, ये देखो यहाँ पर है बंदर खूब सारे, ये देखो वो देखो कितने सारे बंदर हैं। इसे पहले साइड में रख ले, देख। तो गाइस चेक करो, तो गाइस चेक कर सकते हो, खुद बंदर आ गया, ये देखो चेक करो। तो गाइस यू नो चेक करो, ये देखो खुद में खुद आ गया, देखो मैं तो यहाँ बंदर के लाया था, ये खुद में खुद आ गया, चेक करो। रील बना रहे रील लगता, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, देख रहे हो सब आएंगे धीरे धीरे करके, ये देखो भाई चेक करो गाइस। और बेटे ओ भाई सब कितने सारे हैं लगता, कितने सारे बंदर हैं, देख रहे हो, देखो उधर से भी आ रहे हैं। ओ माई गॉड चेक कर सकते हो गाइस, भाई चारों तरफ से आ रहे हैं, ये देखो सही ना, डर भी लग रहा है इनसे मेरे को थोड़ा सा का डर तो लग रहा है तेरे को। भाई देखो क्या ही मस्त तरीके से खाए जा रहे हैं, अभी बंदर सारे वन जितने भी बंदर थे अभी उधर से भी आ रहे हैं थोड़े बहुत बंदर, और अभी देखो ये देखो लड़ाई करने में लगे पड़े हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूँ यार, आप मेरे पे गुस्सा क्यों हो रहे हो, ये देखो यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे बंदर हैं, और ये पता है मेरे को गुस्सा जैसे हो रहे हैं पता नहीं क्यों। भाई साहब अभी उधर से आएंगे, देखो आने में लगे पड़े हैं सबको, पता नहीं क्यों ये हुड़की दे रहे हैं मेरे को, हमें लगता हम तो इनके लिए लेके आए हैं और ये हमें गुस्सा दिखा रहे हैं, बताओ खाओ आपके लिए सब। तो गाइस पूरी क्रेट भरी हुई थी, मैंने कहा खिला देंगे इन्हें, तो ये देखो भाई ये लेके आए और भागे लेके आए भागे, भाई इनमें लड़ाई ना हो जाए मुझे इसी बात का डर है। यू नो गाइस आप बताना ये कैसे किया मैंने, अच्छा लग रहा है आपको, उंगली मत दिखा भाई, डर इनसे भाई डर भी, जय बजरंगबली। तो भाई इसके लिए एक लाइक तो बनता है, प्यारा सा कमेंट। तो भाई देखो पूरे बंदर, मेरे को तो लगा ना बंदर नहीं होंगे यार, तो इतने सारे बंदर है भाई साहब, ये देखो भाई बंदर भी ना खाना जानता है, देखो भाई क्या छिल रहे हैं, ओबे भाई अलग ही लगता, कैसा लग रहा है भाई डर, मुझे तो इनके सामने ना खड़े होके ना अलग से भाई भारी डर सा लग रहा, डर सा, ये पूरी क्रेट ही पलट दी भाई लोगों ने यार, कह रहा मैं खाऊंगा भाई मुझे खाने दे, ये लो भाई साहब इतने सारे बंदर भाई क्या ही, मुझे तो डर सा लग रहा है, आगे वागे मत जाइए, हुड़की उड़की देते हैं। तो गाइस अभी थोड़े बहुत केले और बचे हैं, ये पूरा लेके भाग गया, ले भाग गया वो देखो उधर जाओ भाई साहब आपके लिए, अरे उड़की दे जा रहे हैं, ये देखो गाइस वो अभी थोड़े बहुत और बचे हैं, ये लेके जा ही रहे हैं, जितने ये बंदर थे सबको मैंने केले खिला दिए हैं, एक केले खिले थे कंप्लीट भाई साहब। तो भाई जय श्री राम बोल देना प्लीज, भाई प्रत्येक के हाथ में केले हैं, ऐसा कोई नहीं है कि केले नहीं है, अभी रहने दे क्रेट ले लेना बाद में, ये भी लेके भाग गया छत्ता। गाइस देख रहे हो इनका तो पूरा पेट पूजा हो चुकी है A to Z, अभी कोई और बचा है तो इसके लिए मुझे माफ कर देना, अगली बार जरूर लेके आऊंगा मैं तुम्हारे लिए, ऐसा कर क्रेट उठा ले भैया, मैंने दिया अभी, डर लग रहा है तेरे को, हनुमान जी देखो भाई पहले बजरंगबली बोल रहे हैं कि पहले मेरे को खाने दे फिर बाद में तू खाना, भाई हम तो भाई हनुमान को सीधे बात है बजरंगबली का रूप मानते हैं। तो भाई लोगो ये देखो एक और आया, ये कहेगा मैं खाऊंगा, ये देखो ओके खाली हो गया, अब हम ले जाएं अपनी क्रेट प्लीज। तो गाइस खत्म हो चुका है ये सारा कारवा, ओ माय गॉड जा क्रेट ले आओ। तो गाइस ये देखो खाने के बाद निकल रहे हैं, इनके बंदर की टोली निकल चुकी है उस साइड, ये देखो सब गए, ये देखो अब कुछ नहीं रखा, ये देखो सब बाहर सब चले गए, चलें ओबे अब हो गए पेट पूजा, आप करेंगे लड़ाई, ये देखो भाई अब हो गई पेट पूजा, चल क्रेट उठा ले, अरे मैं उठा कराता हूँ, जय श्री राम, चल भाई। तो गाइस हम निकलते हैं यहाँ से, हमने खिला दिए बंदरों को केले और ये देखो केले खा के हो गए हम मगर, अब बकचोदी नहीं करते, चलो भाई लोगो टाटा अगली बार मिलते हैं। तो गाइस बाय बंदर भाई बाय। तो गाइस अभी बंदरों को खिला दिया मैंने केले और भाई जो अलग लेवल की वाई वाई है ना अंदर से भाई मजा आ गया, भाई साहब मैंने सोचा था कि अलग कुछ होगा, भाई मैंने वहाँ केले रखे एकदम बंदर आए इधर से आए तो सब लोग केले वेले खाने लग गए और भाई सबने खा दिए,
पर ए टू जेड सबने खा लिया तो मुझे खुशी हो रही है कि सबके लिए हो गया और मेरे पास जितना था मैंने उतना कर दिया। और इसमें मेरा सपोर्ट किया मेरे मामा ने और छोटे वाले भाई ने, और बाकी आप समझ सकते हो मेन मामा का प्रोसेस था, मेरा लाना था मैंने खिला दिया और मामा कहते वेस्ट होने से अच्छा है किसी को खिला दो। तो भाई प्यारे से कमेंट कर दो, इसके लिए तो बनता है, जय श्री राम लिख दो भाई लोगों प्लीज़। भाई लोगों अगली बार भी करूँगा ऐसा कुछ अनोखा सा, तो भाई मामा की दुकान पे जो जो ओवर वेस्टेड हो जाता है ना, मैं सोचता हूँ कि उसे मैं किसी न किसी को कर दूँ। अब मेरा काम यही रहेगा कि जो मामा की दुकान में जैसे कि केले सेब ऐसे ऐसे जो रहते हैं ना, थोड़े जो बिकते नहीं है उन्हें ला के बंदरों को खिला दो। यू नो प्रमोदरा में ट्रैफिक लाइन खींच चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इधर से ना जाऊँ, इधर से निकल जाऊँ जल्दी जल्दी से। कट 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 मार दे दलीप भैया ने कहा, कैमरे लगे पड़े हैं क्या? तो हम कौन से चोरी करके भाग रहे हैं? दिल संभल जरा ये शरारत करने चला। मामा जी लो अपनी क्रेट, हम खिलाए बंदरों को केले, घर पे ले जाऊं? ना मैंने दिए। अबे हमारी है, ले चलो। अपनी ना है, मेरी है यार, रख दे रहा, यहीं रख लो मामा। जाओ उतर, बस चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। चलो ठीक है अभी सीधे निकलते हैं घर। भाई बंदरों को खिला दिया, अब हमारी बारी कुछ खाने के लिए, तो भाई हम भी जाएंगे खाने के लिए। और अभी का जो सीन कैसा लगा आपको? अच्छा ही लगा होगा क्या? यू नो मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा लगा होगा, यू नो फील गुड। तो होप करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो नया है चैनल पे प्लीज़ जाके डू सब्सक्राइब और शेयर वीडियोज़ प्लीज़। हाँ पर रिक्वेस्ट भाई लोगों, मैं आप सबसे इतनी इतनी प्यारी प्यारी बातें करता हूँ, प्लीज़ इतना तो कर ही दिया करो मेरे लिए। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलूंगा आप सबको इससे बेहतर व्लॉग में। तो बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर टुमारो।